नमस्कार, वेलकम सबका। आज जो रेकी का योगदान है इस पैंडेमिक में, उस पर मैं जिक्र करने जा रही हूँ। रेकी का बहुत बड़ा योगदान मैंने देखा है, क्योंकि ये घटना तो मेरी जीवन में, क्या सबके ही जीवन में, शायद पहली बारी घटित हुई होगी कि पूरी दुनिया इस तरह त्रस्त थी इस महामारी से। पर मैंने ये देखा कि जो रेकी हीलर्स थे, स्वयं जो रेकी कर रहे थे, अगर वो अफेक्टेड हुए तो बहुत इत्मीनान से इस सिस्टम से वो बाहर आ गए, बीमारी से वो इत्मीनान से बाहर आ गए, और उसके बाद उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो ऐसा मैंने अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ देखा, जो अगर अफेक्टेड भी हुए कोविड से तो वो बहुत ही आराम से बाहर निकले, इवन हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे नहीं गया, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रही, वो अपने आप को, स्वयं को मैनेज करते रहे। और यदि वो अफेक्टेड थे तो उनके घर वाले और अफेक्टेड नहीं हुए, और अगर घर वाले थे तो उन्होंने उनकी सेवा बहुत अच्छे से की। तो ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट था कि जहाँ पे लोग इतने हॉस्पिटल्स के लिए भाग रहे थे, ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे, वहाँ पे जो स्वयं रेकी हीलर्स हैं उनको ये सब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ अनुभव करी मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी, और मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थी आज सुरक्षित हैं, क्योंकि वो हीलर्स हैं, और चूँकि वो अपनी हीलिंग करते हैं, हीलिंग रोज करने से ताकत बढ़ती रहती। बहुत से लोग हीलिंग करके 21 दिन के बाद छोड़ देते हैं, तो वो पावर उनके पास में नहीं होती, भले ही वो हीलर हो। बहुत लोग इस रेकी विद्या को बहुत ही लाइट लेते हैं, तुच्छ समझते हैं, जस्ट फॉर ग्रांटेड समझते हैं, बेकार की चीज़ समझते हैं। मतलब वो रेकी सुनेंगे, अच्छा हाँ भाई भेज दो। तो ये सिस्टम भी मैंने फेस किया। मैंने स्वयं में कई मास हीलिंग करी, वक्त के नज़ाकत को देखते हुए, लोगों की डिमांड्स को देखते हुए, उन तक मैं कैसे पहुँचूँ। तो मैंने स्वयं ने एक यहाँ पे पूरे मंथ जो है मास हीलिंग करी। इसके अलावा एक टाइम बनाया जिसमें मैं स्वयं ऊर्जा भेजती थी उन लोगों के लिए जो रिसीव करें। तो बहुत सारे लोग उस चैनल से भी उनको फ़ायदा मिला और वो बाहर आए। तो ईश्वर का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि रेकी विद्या, रेकी पावर से उन्होंने कितने लोगों को ठीक किया है। लेकिन एक जो चीज़ और मैंने देखी कि हम जीवन की लड़ाई लड़ते हैं, हम इधर उधर से हाथ पैर मारते हैं जो मारेंगे, पर उस वक्त रेकी ने जो साथ दिया उसको हम बड़े आराम से भूल रहे हैं, ये भी मैंने देखा। कुछ लोगों ने तो फ़ोन कर करके इतनी तीव्रता से रेकी मांगी और ऐसा लगा कि ये अब बाद में शायद धन्यवाद करने के लिए भी फ़ोन करेंगे। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में हीलिंग ली और उसके बाद पलट के बताया भी नहीं कि स्थिति क्या है। बीच बीच में जब उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, ऐसे अनेक लोग जुड़े। तो मुझे स्मरण आया डॉक्टर मिकाओ सई का, और वो सही कहते थे कि आप इसको इस तरह फ्रीली इन विद्याओं को ना बांटें, शक्तियों को ना बांटें, क्योंकि हम लोग जो हैं इन शक्तियों को बिल्कुल कुछ नहीं समझना चाहते हैं, जस्ट फॉर ग्रांटेड, हाँ भाई दो। और कुछ लोगों ने तो इसको ऐसा समझ लिया कि ये सिर्फ मेरा ही कर्तव्य है, मुझे ही रेकी देनी है, ये मेरा ही काम है और उनका कुछ नहीं है। तो ये आपके कार्मिक को दूषित करता है। हम ईश्वर की परम शक्ति को जब ग्रहण करते हैं, उसे ऑनर करना बहुत
बड़ी चीज़ होती है और वो हमें करना चाहिए शिद्दत से। जिस तरह हम लंबी कतार में हॉस्पिटल के सामने खड़े होते हैं शिद्दत से, या मेडिकल स्टोर में लंबी कतार में ब्लैक में ख़रीदते हैं चीज़ें, या ऑक्सीजन के लिए भागते हैं, हज़ारों रुपए वहाँ पे खर्च करते हैं, इतनी शिद्दत से भागते हैं, पर जहाँ से हम ठीक हो रहे हैं हम पलट के ना आंसर करते हैं ना देखते हैं, और दक्षिणा तो दूर की बात है। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। रेकी में आदान और प्रदान, ये जब सिस्टम कंप्लीट होता है तब आपके अंदर ये जो पावर है वो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करती है। और हम को निकालना चाहिए, हम जब ले रहे हैं तो सिर्फ लेते जाएं, ये किस अधिकार से? सोचिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास दिक्कत है, हम मांग भी नहीं रहे, पर कम से कम आप जब आप ठीक हो गए तो थैंकफुल दिल खोल के तो कर सकते हैं, और जो दे सकते हैं वो दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि आगे जो बहुत लोगों को हीलिंग मिलती है, बहुत लोगों को कई तरीके की मदद मिलती है, उसमें उनका योगदान होता है। तो मैंने दोनों फेज को बहुत ही अच्छे से इसमें देखा, और इतना ही नहीं, आदमी स्वयं अपने लिए मांग रहा है वो भी ठीक लग रहा है, अपने मुख्य परिवार के मुख्य सदस्यों के लिए मांग रहा है वो भी ठीक लग रहा है, पर मेरे पास वो भी कॉल्स आए कि मेरे पड़ोसी के पड़ोसी, जिनको वो खुद भी नहीं जानते, वो मेरे से वो पावर लेना चाहते हैं, पर उस व्यक्ति को भी नहीं पता। मैं पूछूंगी, भाई पता है? नहीं, उसे तो नहीं पता, वो तो उस स्टेट में है। उनके घर वालों को पता है? नहीं, लेकिन मुझसे वो पावर उनको लेना है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, ईश्वर की जो शक्ति है उस पर आपका समर्पण बहुत अधिक होना चाहिए, इसीलिए कभी कभी ईश्वर भी अपने हाथ खींच लेता है। और यही वजह थी कि डॉक्टर मिकाउसई ने ये नियम बताए, ये नियम बनाए। उन्होंने शुरू में इस तरह ही किया था, सबको हील किया, लेकिन बाद में उन्होंने ध्यान में जाके फिर उनको ईश्वर ने दो नियम बताए कि भाई कोई मांगे तब दो, और बदले में वो इसकी इज्जत रखे, रिवॉर्ड करे, इसका कुछ मान सम्मान रखे। पर बहुत सारी धाराओं में लोग ऐसे हैं कि इस तरह से नहीं सोचते, और ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं होती है। फिर ये उनके लिए अच्छा है, आप पहले खाली हो और फिर आप मांगो। चाइनीज़ एक स्टोरी में टीचर के पास एक व्यक्ति गया, और टीचर ने चाय उनको ऑफर करी, तो उसने भाई चाय पी ली, और एक व्यक्ति और था, तो उसने मास्टर से कहा, मास्टर आप मेरा कप अभी खाली रहन दीजिए। तो भाई पूछा गया, भाई तुमने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा मैं अभी आया हूँ और मेरा तो प्याला अभी खाली है, अभी तो आप धीरे धीरे भरोगे ना उसमें, मेरा ये कप तभी भरा जाएगा, तो उससे पहले आप पहले मत भर दीजिए। तो ऐसी बात से दूसरे व्यक्ति की भी आंखें खुल गईं, क्योंकि वो तो जस्ट फॉर ग्रांटेड चाय पी रहा था। तो देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड। आप जब कहीं से ठीक होते हो, आप क्या अपनी जान की वैल्यू को बेकार में रखते हो? मतलब बेकारी की काट दी आपने? अगर ऐसा है तो ये मैसेज यूनिवर्स में चला गया और आपकी लाइफ में बेकारी बनी रहेगी, क्योंकि आपने अपने जीवन को सिर्फ
सिक्कों में भी नहीं नापा, धन्यवाद में भी नहीं आका। तो ऊपर वाला ये सिस्टम को इसी तरह, ये यूनिवर्स इस तरह ही चल रहा है। अब देखिए कि इन विद्याओं में एक दूसरे का नमन, स्वागत, धन्यवाद, ये सब कितना है, मान सम्मान कितना है, और देने से चीज़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो बहुत सारे जो लोग रेकी से ठीक हुए, मुझे बहुत अति प्रसन्नता है, और मुझे प्रसन्नता है कि ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप तक पहुँचूँ। पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक रेकी नहीं सीखी, वो जहाँ भी हों कहीं से भी सीखें, पर सीखें अवश्य, क्योंकि रेकी आपको स्वस्थ ही नहीं लेकिन जीवन के और क्षेत्रों में भी प्रगति करवाता है, सक्सेस दिलवाता है, और आपकी अनेका अनेक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। पर कभी भी मुफ्त में नहीं इसको सीखना है, इतनी कीमती विद्या को कम से कम कुछ दक्षिणा अवश्य निकालिए, नहीं तो वो जो पाठ है जो आप अभी नहीं निकालते हो वो किसी ना किसी रूप में तो आपको निकालना पड़ेगा, किसी भी किसी वक्त आपको निकालना पड़ेगा, और वो वक्त हो सकता है अच्छा नहीं हो। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, और सिर्फ गुरु के आगे मत रोइए, हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप उनके आशीर्वाद को महसूस करिए, महसूस करिए आप कुछ हैं। सिर्फ गुरु के आगे आप कहते हो कि कुछ नहीं है क्योंकि आप उन्हें कुछ देना नहीं चाहते, मेरे पास तो कुछ है नहीं, है नहीं कठिनाई, और वही चीज़ आप बाहर बाजार में, वो चाहे रेस्टोरेंट हो, वो चाहे हॉस्पिटल हो, वो चाहे कपड़े की दुकान हो, वो चाहे मॉल हो, आपके अंदर से छटाचक निकलते हैं। तो आपको कम से कम सोचना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ पे की। अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है अपना धन, अपना मन, तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा हो, और इस सीख को आप अवश्य रखिए। हमारे भारतीय पद्धति में भी, संस्कृति में भी, जो गुरु की दक्षिणा है वो सबसे पहले निकाली जाती है, आखिर में नहीं। और जो भी व्यक्ति गुरु से कुछ मांगने से पहले उनको अर्पित करता है वो सबसे अच्छे से आगे निकलता है। और कुछ लोग होते हैं काम निकाल लें फिर देंगे, दे रहे हैं तो उनका थोड़ा सा रुक के होगी चीज़, पर कुछ लोग बिल्कुल नहीं निकालते तो उनका आप समझ लीजिए। पर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पर अपनी मानसिकता को ज़रूर बदलिए, ये आवश्यकता है आज की। इसी के साथ धन्यवाद करती हूँ और आप सबको प्रेम भरा बाय बाय और नमस्कार करती हूँ। खूब आगे जाइए, आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए।